नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। प्रदेश में भाजपा के सत्ता संभालने के साथ ही अब मंत्रियों के नाम पर चल रही अटकलें खत्म होती नजर आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले 17 नामों पर मुहर लग चुकी है और आने वाले 2 से 3 दिन में मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। राजस्थान कैबिनेट में कुल 30 मंत्री बनाए जाने हैं, जिनमें 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं। बाकी बचे 27 मंत्रियों में 17 के नाम पर मुहर लग चुकी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जैसलमेर के दौरे पर हैं। शाम को जयपुर वापसी के बाद वे किसी भी वक्त राजभवन से मंत्रिमंडल की शपथ का समय ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 17 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। संभावित चेहरों में किरोड़ीलाल मीणा हैं, सुमित गोदारा हैं, अनीता बधेल हैं, नौक्षम चौधरी हैं, दीप्ति माहेश्वरी हैं, विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं, महंत प्रतापुरी हैं, बाबा बालकनाथ हैं, फूल सिंह मीणा हैं, उदयलाल भडाना हैं, ऐसे नाम शामिल हैं। हालांकि पार्टी युवा चेहरों को मौका देकर चौंका भी सकती है। सर, राजस्थान की बात करेंगे, मंत्रिमंडल का क्या चल रहा है, कब तक होने वाला है, क्योंकि पूरे राजस्थान को इंतजार बहुत जल्दी हो जाने वाला है जैसा हमें आभास हो रहा है। किस प्रकार का रहेगा, क्या बहुत जोरदार रहेगा, क्या नयों को मौका मिलेगा या आप जैसे नयों को ज्यादा मौका मिलेगा? ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।